अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सेलेंस रिजॉर्ट, जो हमारा मुंशी में प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, फार्म हाउस प्लॉट, दिस आर ऑल डैम व्यू प्लॉट्स। हाय, मेरा नाम रेशमा हाजीते है, मेरे कंपनी का नाम एक्सेलेंस शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है। हमारे कंपनी का हम पिछले 12 साल में हमने 1200 से अधिक लोगों का नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट लेने का सपना पूरा किया है। ये साल हम हमारा पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि पहली गेटेड फार्म हाउस कम्युनिटी पूना एंड मुंबई के बीच में है, जिसका नाम एक्सेलेंस रिजॉर्ट है। ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। लोकेशन के बारे में बताया जाए तो ये लोकेशन एग्जैक्टली पूना एंड लोनावला यानी मुंबई दोनों साइड से भी इक्वी डिस्टेंस पड़ता है। ये दोनों के बीच में मुलशी एक लोकेशन आता है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एड्रेस माना जाता है। इसको क्यों प्रेस्टिजियस एड्रेस माना जाता है ये भी मैं बताऊंगी। डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो मुलशी लोनावला ये एक इम्पॉर्टेंट रोड है, जिसको ये टच साइट है। पूना से 50 किलोमीटर पे आती है, चांदनी चौक से 39 किलोमीटर, लोनावला यहाँ से 44 किलोमीटर है और एम्बे वैली 22 किलोमीटर पे है। लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये हमारे लोकेशन है एक्सेलेंस रिजॉर्ट, और इसके आजू बाजू में आप देखते हैं तो ये सभी रेड में जो है ये ऑल रिजॉर्ट्स है। तो अराउंड 17 ऑल रिजॉर्ट्स इन एंड अराउंड है। इसका मीनिंग है कि ऑब्वियसली आप यहाँ पे कुछ भी बनाओ, फार्म हाउस बनाओ या फिर रिजॉर्ट बनाओ या फिर खुद का छोटा सा घर भी बना लेते, तो ऑब्वियसली ये प्रेस्टिजियस एड्रेस होगा। लोनावला, मुलशी, ये बेल्ट वैसे भी इंडिया के टॉप मोस्ट लोकेशंस फॉर द फार्म हाउसेस करके जाने जाते हैं। हमारे साइट के आसपास स्टार रिजॉर्ट्स है, इसके कुछ पिक्चर्स मैंने एक्चुअली डाले हुए हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। दिस इज ड्रीमलैंड रिजॉर्ट, देन ये है किनी माची रिजॉर्ट, मल्हार माची अगेन अ फेमस रिजॉर्ट, जलसृष्टि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मराठी फिल्म्स की शूटिंग होती है, ये एक रिजॉर्ट नियर बाय है। हिल्टन स्टार कैटेगरी का स्पा एंड रिट्रीट सेंटर है। केयर यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म मेजरली होता है, आयुर्वेदिक एंड योगा रिट्रीट सेंटर। आत्मंदन रिजॉर्ट क्लोज बाय है, रेसिडेंसी लेक रिजॉर्ट ब्रह्मा का यहाँ पे क्लोज बाय है। बेसिकली सराउंडेड विथ लॉट ऑफ रिजॉर्ट्स, एंड थर्ड रीजन ये एरिया मुलशी एरिया में इको सेंसिटिव जोन आता है, तो यहाँ पे ग्रीनरी इंटैक्ट रहेगी। इको सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एरिया ग्रीन ही रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोकेशंस पे एक बार फार्म हाउसेस बनना स्टार्ट होता है, रिजॉर्ट्स बनना स्टार्ट होता है, तो इन एन अराउंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द पिक्चर, दिस वन ऑफ माई फेवरेट पिक्चर, लश ग्रीन एरिया ऑन आर साइट, ये एक्चुअल साइट का फोटो है हमारे। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पूना एंड लोनावला एरिया ये रिंग रोड वाया कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो रिंग रोड जा रहा है इसके वजह से बहुत सारा कनेक्टिविटी पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये डैम व्यू है जो साइट से दिखता है, तो 80% हमारे साइट में प्लॉट जो है इनको डैम व्यू मिलता है। ये आप देखेंगे तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्काई वाटर एंड ग्रीनरी है। इस तरह से हमने पूरा लेआउट बनाया हुआ है। ये मेन रोड है मुलशी टू एम्बे वैली का, और ये प्लॉट्स है, दीज आर 1, 2, 3, 4, ये सभी प्लॉट्स है। 35 प्लॉट्स टोटल इसमें हमने डाले हुए, 11,000 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेटली प्लॉट एरिया है। एंड हर प्लॉट ओनर को हमें 13 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 एकड़ में हमने प्लॉट्स बनाए और 3 एकड़ में हम कमर्शियल रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो जो भी वो लोग प्लॉट फार्म प्लॉट्स लेंगे उनको कंपल्सरी है कि उन्होंने फार्म हाउस बनाना चाहिए, और प्लॉट ओनर को रिजॉर्ट के लिए भी हम एक्सेस देंगे विथ मेंबरशिप अमाउंट। ये सर्टेन एमिनिटीज है जो हम प्लॉट पे दे रहे हैं। एक बायो फेंसिंग हर प्लॉट के लिए इस तरह से रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी है, 1 इंच वाटर पाइपलाइन हम देंगे, कॉमन ग्राउंड वाटर 50K का टैंक है, लीटर का टैंक होगा नीचे, एंड ओवरहेड टैंक 50 लीटर का होगा, 50K लीटर्स का होगा। सो बेसिकली वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्म हाउस के लिए, वो चीज भी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। सीमेंट रोड्स है जो 6 मीटर वाइड होंगे, इस तरह का रोड फिनिशिंग उसमें मिलेगा। ये टोटली गेटेड कम्युनिटी है, जिसमें गेट, सीसीटीवी, सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट फेंसिंग, मेंटेनेंस, ये सब चीजें हम इसमें देने वाले। एंड गेटेड फार्म हाउस कम्युनिटी का मीनिंग ये होता है ना, सिक्योरिटी होती है, नेबरहुड होता है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी टेकन केयर कॉमनली। ये सर्टन एमिनिटीज है, लैंडस्केप गार्डन, नेचुरल रीडिंग लाउंजेस, सिट आउट एरिया, ग्रैंड रिजॉर्ट। अभी करंटली ऑन साइट डेवलपमेंट बहुत सारी चीजों की शुरू है,
ऑलमोस्ट इसमें जो प्लॉट मेंशन किए हुए, इसमें हमने एक बंगलो डिजाइन भी बनाया हुआ है. बंगलो इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन बेसिकली. इस तरह से बंगलो है विद अ पूल साइड एंड स्विमिंग पूल इसमें दिया हुआ है, गजीबो है. तो सैंपल बंगलो भी इसमें रेडी हो रहा है हमारे साइट में. अगर देखा जाए तो प्लॉट का सेपरेट कॉस्टिंग है एंड बंगलो का. अगर आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और जानकारी जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे के नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा. थैंक यू.